चलो एक बार देख लेंगे। अब देखो इसमें अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, 81 था? 86। अच्छा अभी 14 क्वेश्चन रहे हैं, जल्दी देखना क्योंकि अभी खत्म करना है जल्दी से। अब देखो हेमेटाइट और कौन सा होता है, ये मैंने तुम्हें बताया था स्पेशली 2011 के आईआईटी के एडवांस पेपर में आया वो क्वेश्चन। हेमेटाइट होता है Fe2O3, है ना, Fe2O3। और मैग्नेटाइट क्या होता है, Fe3O4। और कैलामाइन ZnCO3 होता है, केविलनाइट जो लास्ट में लिखा हुआ है Al2O3.SiO2.2H2, ये केविलनाइट होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्शन चैप्टर का, तो ये मैच कर लेना, इजी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 87, ए 10 लीटर फ्लास्क कंटेन्स 64 ग्राम ऑक्सीजन, द प्रेशर इनसाइड द फ्लास्क इज, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो, कर लेंगे ना, तो P = nRT/V, एन की वैल्यू ले लेंगे 64/32, आर 0.021, 27 डिग्री सेल्सियस है तो 300 केल्विन हो जाएगा, और वी दे रखा है 10 लीटर, है ना, वी क्या दे रखा है 10 लीटर, कोई डाउट तो नहीं किसी को? वेदांत, नहीं सच्ची है। अच्छा नेक्स्ट अब क्वेश्चन है 88th क्वेश्चन, इफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है ए का 0.1 मोलर विच बिकम्स 0.001 मोलर इन 5 मिनट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर का, K = 2.303/T लॉग ऑफ इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट कितना है 0.1, फाइनल अमाउंट कितना है 10.001, यानी 10⁻³, तो 10⁻² आ जाएगा ये, और टी दे रखा 5 मिनट्स, तो 2.303/5 लॉग ऑफ 100 यानी 2 आ जाएगा, तो 2.303/5 आ जाएगा ये, 2.303/5 यानी 4.6 है, 4.6/5 यानी 0.92 समथिंग हो जाएगा, और कांस्टेंट मिनट इनवर्स में पूछा तो आंसर यही होना चाहिए इसका, सेकंड वाला यही आया। देखा है क्या ये आर्यन वेदांत, देखा ये क्वेश्चन क्या सेकंड आंसर? यस सर, सेकंड आ जाएगा आंसर। अच्छा अब है 89th क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो इसमें आंसर आ जाएगा सीधा NiH2 whole twice En whole twice, इसमें दो बाइडेंटेट वाले स्ट्रॉन्ग है, इसमें एक बाइडेंटेट स्ट्रॉन्ग है, उससे अगले में तीन बाइडेंटेट स्ट्रॉन्ग है, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना CFSC वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए आंसर डायरेक्ट आ जाएगा इसका सी, सबसे ज्यादा होना चाहिए एनर्जी अब्सॉर्ब, सबसे ज्यादा सी में होनी चाहिए, फिर जिसमें दो बाइडेंटेट लिगेंड है उसमें होनी चाहिए, चार तो सब पे सेम है ही, तो CAB आंसर आना चाहिए, CAB ये सबसे हो जाना चाहिए क्वेश्चन, ये CAB। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है KC दे रखा है रिएक्शन का, KC ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, KC होगा प्रोड्यूस बाय रिएक्टेंट, KC रिएक्शन का दे रखा है, कंसंट्रेशन O2 का दे रखा है इक्विलिब्रियम पे इतना है, तो कंसंट्रेशन O3 का कितना होगा, डायरेक्ट फॉर्म लगाएंगे KC = O3 के कंसंट्रेशन का स्क्वायर बाय O2 का कंसंट्रेशन का क्यूब, क्या आंसर आ रहा है इससे, O3 का निकालना है तुम्हें और O2 का इक्विलिब्रियम 0.04 है, 0.04 का क्यूब करना है और वो 10⁻³ × 10⁻⁹ है, तो 0.04 यानी 464 हो जाएगा, 64 × 3 192 into 10⁻², से आएगा इधर 10⁻⁶ हो जाएगा, तो 10⁻⁶⁵, ये रूट में आएगा ना, यही आएगा कि नहीं आंसर, ये रूट में आएगा ना, चेक कर लेना एक बार, तो इससे तुम्हें दिख रहा है ये 192 को 19.2 कर दो, 10⁻⁴ हो जाएगा ये, तो ये आ गया सीधा 19 है, तो 4 point something, ये आंसर ये आ जाएगा इसका सीधा 1 आ जाएगा आंसर, इजी कैलकुलेशन है, कोई टफ नहीं है कैलकुलेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 91 में निकालना है EMF ऑफ सेल निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे सीधा E cell = E0 cell, ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई नॉट की वैल्यू है अच्छा निकल से निकल टू प्लस से Ag + Ag है, तो इसमें वैल्यू दे रखी होगी, ई नॉट सेल दे रखी है सर, ई नॉट, हाँ ई नॉट की वैल्यू 10.5 गिवन है, 10.5 है, यस सर, ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू दे रखी है, ये तो 0.25 ये होगा और पॉइंट ये 1.15 होनी चाहिए वैल्यू, ये गलती से दे दिया 10.5, हाँ तभी तो आंसर देखो ना 1.385 है, ये गलत दे दिया 1.05 होगा, ये ई नॉट वैल्यू 1.05 होगी यहाँ पे, ये गलती से 10.5 लिखा होगा इधर, -0.0591/2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स में आएगा 10⁻³, रिएक्टेंट्स में आएगा 10⁻³ का स्क्वायर यानी 10³ आ जाएगा ऊपर, 10³ ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया सीधा 3 बाहर 3/2 आ जाएगा, 3/2 1.05
minus 0.02955 into 3, 0.02955 into 3, 0.03 मान ले इसको, 0.03 into 3, 0.09, 0.09 माइनस कर देंगे तो 0.9 समथिंग आंसर होगा, तो इसका आंसर आना चाहिए 0.9615 होगा आंसर इसका, 0.9615 थर्ड आंसर होगा इसका, लेकिन इसमें होता कि मार्क्स सबको बोनस मिल जाएगा क्योंकि 10.5 लिख दिया यहाँ पे, और जबकि होना चाहिए 1.05, क्लियर है कि सबको कि नहीं है? वेदांत यस सर क्लियर है, ये 10.5 गलत होगा वेदांत, ये दिख रहा है कि नहीं? यस सर मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा था, अटेम्प्ट नहीं करा था ना सर, सेक्शन बी का क्वेश्चन, हाँ, तो ये थर्ड आएगा इसका आंसर 0.9615। आर्यन तेरे को क्लियर है ये? युविका यस सर, यस सर, ये क्लियर होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन गलत आ गया, ये 10.5 देखा 1.05 होगा। Which of the following is not formed when acetone reacts with 2-pentanone? हाँ ये तो वो एल्डोल का क्वेश्चन आ गया। देखो इसमें अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ, जल्दी से करना है अगर, तो उसके लिए एक मिनट रुको बस, जल्दी से करना है अगर इसे, तो इसको पहले तो तुम्हें ये करना आना चाहिए, इसमें एसीटोन लिया, मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ तुम्हें, एसीटोन लिया और 2-pentanone लिया, 2-pentanone होगा CH3 C double bond O और CH2 2-pentanone है तो C2H5 ये H2O बाहर निकाल दिया, यहाँ से ये निकाल दिया, अब इन दोनों को जोड़ दो, सही ना, अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऐसे सारे जोड़ने, ये डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका मैंने बता रखा है एल्डोल के अंदर, डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका एल्डोल में बता रखा है मैंने, तो इसका आंसर अगर मैं डायरेक्ट सोचता रहूं तो यहां डबल बॉन्ड ओ रहा होगा, यहां पे CH2 बाहर निकला है, बिल्कुल सही है, 2-pentanone है ही है। दूसरा केस लूं तो मैंने ये एसीटोन रहा होगा, यहाँ पे एसीटोन का CH2 बाहर निकला है और यहाँ से कीटोन का ओ बाहर निकला है, ये भी सही होना चाहिए, और दूसरे का देखूं अगर मैं तो ये गलत है, देखो ये ना 3-pentanone है, चेक करो ऊपर इसको, ये 3-pentanone है कि नहीं, 3-pentanone, ये 3-pentanone लिया हुआ ना, जबकि वहां ऊपर बोला 2-pentanone, ये थर्ड सेकंड आंसर गलत हो, बाकी सारे बन सकते हैं, ये वेदांत क्लियर हुआ है? ये तेरा सही था वेदांत? यस सर सही था, ये जल्दी से निकालना आता है ना? यस सर, वैसे भी सेकंड ऑप्शन में कोई एसीटोन बन ही नहीं रहा है, कार्बन ज्यादा है सर, नहीं 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 वेदांत ऊपर फर्स्ट ऑप्शन देखे तो फिर फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ एसीटोन ही है, नहीं समझा वेदांत? नहीं सर, इसे उधर से बैलेंसिंग भी करेंगे, यस सर ठीक है, ये ना इसने 3-pentanone ले लिया इसको, वेदांत देख ढंग से, सेकंड क्वेश्चन में 3-pentanone ले लिया दोनों, यस सर यस सर, है ना, ध्यान देना इस पे, जल्दी से आंसर निकालना आना चाहिए ऐसे H2, अगर डायरेक्ट तुम्हें एल्डोल का आंसर चाहिए तो, नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से, प्रथम देख एक बार, 5-7 मिनट और होंगे, जल्दी से करना, IUPAC तब हर कोई कर लेगा, IUPAC हर कोई कर लेगा, इसमें स्टार्ट करेंगे ब्रोमो से, 1-bromo 4-1-2-3-4-5, 5-chloro 1-bromo 5-chloro 4-methyl और hexane 3-ol, तो इस आंसर आज का आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट दे रखा है हीलियम प्लस का और पूछा है रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट क्या होगा लिथियम 2 प्लस का, तो R का फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, R का फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ R का फॉर्मूला लगेगा 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, या ए नॉट लिख दो उसको सीधा, ये तो कॉन्स्टेंट है ना, एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड ये लगाएंगे पहले हीलियम प्लस के लिए, उसके बाद R लगाएंगे हम लिथियम 2 प्लस के लिए, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, अब दोनों को डिवाइड कर दो, ये लिथियम 2 प्लस के लिए जेड 3 लेना, N की वैल्यू 3 लेना क्योंकि थर्ड बोहर ऑर्बिट बोला है लिथियम 2 प्लस का, हीलियम प्लस के लिए सेकंड बोहर ऑर्बिट लेना और N की वैल्यू भी 2 है, दोनों को डिवाइड कर देना आंसर आ जाएगा, आंसर निकाला है वेदांत क्या आंसर है? सर मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करा लेकिन 158 आना चाहिए, 158 आ रहा है, चलो देख लेना एक बार, 158 आ रहा है तो देख लेना एक बार, दोनों को डिवाइड करेंगे बस आंसर आ जाएगा, 3/2 आएगा सीधा, 3/2, हाँ 3/2 ही आएगा सीधा, 3/2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर ज्यादा एन स्क्वायर ज्यादा है ना, 3/2 से 1.5 से मल्टीप्लाई करना, हाँ यही हो सकता है, 1 ही हो सकता है, 1 ही हो सकता है, पिकोमीटर में आंसर निकालना सही है, 1 होगा आंसर सर। फिर कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद ओजोन, फिर ये तो ओजोनोसिस दे रखा है, 2-methylpropanol मिल रहा है और फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है, 2-methylpropanol और फॉर्मल्डिहाइड, 2-methylpropanol
और फॉर्मल्डिहाइड दोनों को आमने सामने रखेंगे, वो बाहर निकाल देंगे इसका, तो आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 3-methyl-but-1-ene, 3-methyl-but-1-ene, यही आंसर है, 1 आंसर आ जाएगा। फिर न्यूट्रल फेंकली, ये तो मैंने कितनी बार क्वेश्चन कराया हुआ है, MnO4 नेगेटिव प्लस आयोडाइड, आयोडाइड में जाता है और मैंने बोला हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, बनेगा MnO2 बेसिक मीडियम में क्योंकि प्लस IO3 नेगेटिव आयोडाइड्स, तो इसके ऑक्सीजन में चेंज पूछा इसने, तो +7 से +4, क्लियर है कि सबको कि नहीं, +7 से +4 आई माइनस आयोडाइड्स में जाता है इन वीकली बेसिक मीडियम, MnO4 नेगेटिव जाता है MnO2 के अंदर, नहीं तो Mn2+ में जाता है अगर मीडियम एसिडिक है। 97 द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गेट्स एनहांस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या आंसर आएगा इसका, पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गेट्स एनहांस्ड, अब इसमें थोड़ा सा डाउट में रहेगा, ए पर्टिकुलर पर्टिकुलेट मैटर हो सकता है बिल्कुल, ओजोन ऑक्सीडाइजिंग है, SO2 से SO3 बन सकता है, हाइड्रोकार्बन डाउट में, डी हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग है तो SO2 से SO3 बना सकता है। देखो आंसर इसका कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, मैं अपनी तरफ से मार्क करता इसमें, तो मैं सेकंड आंसर मार्क करता ए बी और डी। वेदांत तूने किया कैसे? नहीं सर, मैंने छोड़ दिया, तो मैंने कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है ये, हाँ क्या कह रहा है सर, ये तो नीचे दे रखा है ना, मोर देन वन ऑप्शन यस के ए बी डी स्टेज पे, नहीं नीचे है ना 1, 2, 3, हाँ ए बी डी, हाँ मैं यही कह रहा हूँ, नीचे टू आंसर होना चाहिए इसका, ए बी, ए बी और डी है प्रथम, क्या सोच रहा है इसमें आंसर, मोस्ट प्रोबेबल आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए ए बी और डी, बाकी क्योंकि सी तो ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, पर्टिकुलर मैटर में तो पॉल्यूशन बढ़ता ही है, पर्टिकुलर मैटर में ही SO2 से SO3 बनता है, हाइड्रोकार्बन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ओजोन ऑक्सीडाइजिंग है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये SO2 से SO3 बना सकते हैं, एनहांस हो जाएगा पॉल्यूशन क्योंकि उससे एसिड रेन वाली SO3 गैस बन जाएगी, तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आंसर ए बी डी होना चाहिए, बाकी हल्का सा डाउट रहता है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो दिखाना प्रथम, फिर लूकास रेजेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है, बिल्कुल सही है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, गलत हो गया क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में प्राइमरी कार्बन कैटायन बनेगा नॉट पॉसिबल, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड 99 क्वेश्चन, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल विद सेल एज ऑफ इतना, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इतना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, विदान निकाला आंसर इसका Zm/A³⋅ किसी और प्रश्न निकाला हूं, नहीं सर छोड़ दिया, 8.92 जेड की वैल्यू 4 लेंगे, एम 63.5 लेंगे, देर दे भी रखा होगा, मास ऑफ कॉपर दिया नहीं है, एटॉमिक मास निकालना है, वैसे फर्स्ट ऑप्शन जाना चाहिए इसका, ये तो सोचा ही नहीं आंसर 63, हाँ चांसेस तो इसी के हैं 63.1 के, यस सर, लेकिन वो कैलकुलेट देख करना भी देखना पड़ेगा, करके भी देखना पड़ेगा, आंसर 1 आना चाहिए इसका, लेकिन करके भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट ये तो CN से LiLH4 डालेंगे, CN का CH2NH2 बन जाएगा, फिर CH2OH बन जाएगा, CH2OH होना चाहिए आंसर, यानी फोर्थ आंसर, NaNO2 प्लस HCl डालेंगे तो CH2OH बन जाएगा क्योंकि पानी डाला हुआ है, CH2OH, CH2Cl नहीं आएगा, थर्ड नहीं आएगा, फोर्थ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये खत्म हो गए ना, 100 क्वेश्चन हो गए पूरे सर, एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से बताना कि कैसे कैसे होगा, CN है ना, LiLH4 डाला तो CH2NH2 बन जाएगा, सही है, यस सर, और उसके बाद NaNO2HCl डाला तो CH2OH बनता है ना, RNH2 में HNO2 डालते हैं तो ROH बनता है, वही चीज है, सही है, ओके सर। हाँ देखो 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आर्यन तेरे को क्या अच्छा, अभी जो तूने किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बहुत टफ लगा पेपर, एक दो क्वेश्चन डाउट वाले हैं, उसके अलावा तो नहीं है, वो एक लोन पे वाला, सिर्फ एक लोन पे वाला डाउट में है कि उसमें क्या मार्क होना चाहिए, IF5 मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है, वेदांत को CLF3 लग रहा है, वो देख सकते हैं कि कोई क्या आंसर होगा, क्योंकि उसमें या तो 3D में ऑब्जर्व करें कि किसमें कितनी रिपल्शन होगी, या पूरा बना के देखना पड़ेगा डायग्राम, तब हो सकता है, नहीं तो उसके अलावा कोई क्वेश्चन, या फिर ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक आध क्वेश्चन आ गया इसमें मार्क कर सकते हैं कि ए बी और डी होगा आंसर, बाकी क्या मुश्किल लग रहा है बहुत पेपर? नो सर आसान है, अरे फिजिक्स को ये कर सकते हो पेपर तुम, ऐसा नहीं कि बहुत टफ पेपर है, पिछले साल से आसान है सर, क्योंकि पिछले साल थोड़ी सी आसान आई है, हां फिजिक्स आसान आई है, फिजिक्स आसान आई है, तो तुम लोग इसलिए करो मेहनत करो और जितना हो सके सितंबर में फुल सिलेबस पेपर स्टार्ट कर दो तो फिर सही होगा, सही ना, सितंबर में फुल सिलेबस पेपर स्टार्ट कर दो तो फिर सही हो जाएगा काम, बायोमोलिक्यूल से मेरे को अगला चैप्टर कराना है, कोऑर्डिनेशन खत्म होने वाला है, सही ना, तो एक बार पेपर देख लेना जरूर, मैं इसीलिए तुम लोगों के साथ पेपर डिस्कस कर देता हूँ ऐसे, ताकि तुम्हें बस थोड़ा फील आता रहे कि हाँ पढ़ाई करनी है ढंग से, अभी छोटे वाले चैप्टर पर ध्यान देना है, एक्सट्रैक्शन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री, लाइफ,
एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनमें ध्यान देना जरूर। चल वेदांत सर, एक वो बॉइलिंग पॉइंट वाले का और देख लीजिएगा। हाँ मैं देखूंगा वेदांत, मैं देख लूंगा। हाँ वो भी एक है डाउट वाला क्वेश्चन, अगर तुम लोग कह रहे हो एनसीईआरटी में दे रखा है तो एक बार वो भी डाउट वाला क्वेश्चन। चल चलो ओके, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। फिर बायोमोल के चैप्टर मैं भेज दूंगा, चाहिए वो तो उससे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। अभी तो कोऑर्डिनेशन। अच्छा वेदांत, यस सर। वेदांत अपना टॉपिक वो अच्छा वाला चल रहा है कोऑर्डिनेशन के अंदर, आइसोमर्स में, तो अटेंड करना तो कर लियो, तूने वो अटेंड किया नहीं हुआ। सर मैंने वैसे लेक्चर्स देखे हुए हैं, मैं एक बार टाइम मिलता तो कर लूंगा। अच्छा सही, तूने देखे हैं तो फिर रहने दियो, देखे हैं तो फिर रहने दियो। अच्छा मैं कुछ टॉपिक है जो वेदांत उसके अंदर नहीं है, वो लेक्चर मैं बता दूंगा पहले। हाँ वो जरूर कर लियो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो एक घंटे का लेक्चर होगा, उसमें बस सिर्फ आइसोमर्स पूछूंगा कैसे निकालने, सही है आइसोमर्स। यस सर। चलो ओके, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।